उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और 24 के इलेक्शन के चलते सूबे में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में राजनीतिक दलों का वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई दल किसी मुद्दे को लेकर सरकार को ना घेरे, ये तो हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में सत्ता से लेकर जनता के बीच अपनी खोई जमीन को वापस तलाशने की कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के बाद यूपी में भी इसको लागू करने के हक में आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने देश भर में कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इसका समाधान होना जरूरी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मायावती ने ट्वीट कर लिखा, बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी त्रस्त है। यही कारण है कि केंद्र और यूपी सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, जिसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बसपा की भी यही मांग केंद्र और राज्य सरकार से है कि वो लोगों और कर्मचारियों को राहत देने वाले कदम उठाए। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए कहा, सिर्फ पुरानी पेंशन ही नहीं, महंगाई के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि की जटिल समस्याओं के प्रति केंद्र और यूपी सरकार को सही नियत और नीति के साथ काम करने की जरूरत है। ऐसी जन समस्याएं भाषणबाजी से नहीं हल होती, खासकर तब जब यूपी में डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है, इसका समाधान होना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि सरकार बसपा सुप्रीमो मायावती की मांगों पर कितना गौर करती है और मायावती को इन मुद्दों पर आवाज उठाने का रिवॉल्ट जनता चुनावों में देती है या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।